सभी को जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप सभी लोग मसीह में आनंदित और आशीर्वादित हो। वचनों में जाने से पहले, कुछ विशेष बातों को सीखने से पहले, मैं आप सभी के लिए छोटी सी दुआएं करना चाहता हूँ। मेरे खुदा, मेरे परमेश्वर, जो भी देख रहे हैं उन्हें ब्लेस कर, सदा सर्वदा उनके जीवनों में ब्लेसिंग बनी रहने, अपना प्रकाश, अपना मुख उन पर आप चमकाइए। प्रभु, आपके स्वर्गदूतों द्वारा उनकी और उनकी फैमिली की रक्षा आप कीजिए। आमेन। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, आज का जो विषय है वो ये है, क्या हम मसीह में होकर भी मूवीज के गाने, मूवीज के जो भी एंटरटेनमेंट है, मूवी से या फिर सॉन्ग से, उसे हम सुन सकते हैं क्या? जो भी एंटरटेनमेंट इस संसार के द्वारा हमें किया जाता है, क्या उसे सुन सकते हैं? क्या उसे ज्यादातर हम देख सकते हैं? क्या बाइबल हमें यही दर्शाती है कि मूवीज के गाने को हमें सुनना चाहिए, मूवीज के गाने पर हमें स्टेटस रखना चाहिए, किसी का बर्थडे हो तो हमें उस गाने पर नाचना चाहिए? क्या बाइबल हमें यही सारी चीजें सिखाती है? तो मेरे भाइयों, वचनों में जाने से पहले मैं एक छोटी सी बात आप सभी से कहना चाहता हूं कि आपने मसीह में प्रवेश किया है तो आप संसार से अलग हो चुके हो, सांसारिक जीवन आपका खत्म हो चुका है अगर आप मसीह में जी रहे हो। हाँ, आपका जो जीवन है वो केवल मसीह का जीवन होना चाहिए, संसार में आपको सिर्फ रहना है। पत्रस कहता है कि हमारा जीवन यहाँ का नहीं है, हम तो बस टेम्पररी यहाँ के, जो मसीह लोग हैं मैं उनकी बातें कर रहा हूं। अब मसीह में होकर भी अच्छे अच्छे स्टेटस रख रहे हो, लेकिन स्टेटस के पीछे कौन से गाने आप बजा रहे हो, कौन से गाने को आप लगा रहे हो? मसीह लोगों के मैंने स्टेटस देखे है, पास्टर लोगों के मैंने स्टेटस देखे है। क्या मसीह लोगों के लिए जो प्रभु के दास है, वो जो गाने बना रहे हैं, प्रभु के लोग हैं जो नए नए गाने बना रहे, क्या वो कम पड़ चुके हैं? वाइफ के साथ अच्छे अच्छे इमेज को एडिटिंग करके लगाते हैं उसके बर्थडे पर, उसके एनिवर्सरी पर, तुम ही हो ऐसे सब गाने लगाते हो। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को, कहां हो आप? क्या बाइबल हमें यही दर्शाती है? नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हमें संसार से अलग रहना है, संसार में रहना है लेकिन हमें संसार से अलग रहना है। एक वचन मैं आप सभी के सामने रखना चाहता हूं, बहुत से लोग शायद से इस वचन को जानते होंगे, फिर भी मैं इस वचन को आपके सामने रखना चाहता हूं। रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2, फिर एक बार रोमियो अध्याय 12 वचन 1 और 2 क्या बताता है, क्या कहलाता है हमें, क्या दर्शाता है हमें? इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूं कि, देखो ये विनती कर रहा है जो पौलुस है, वो हमसे विनती कर रहा है, विनती करता हूं कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। फिर एक बार, अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। क्या हम चढ़ा रहे हैं? क्या हम ये सारी चीजें कर रहे हैं जो प्रभु हमें कहता है? वचन दूसरा, संसार के दृश्य न बनो, परंतु मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदला जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। फिर एक बार मैं वचन दो पढ़ता हूं, सुनो। संसार के दृश्य न बनो, यानी कि संसार के सदस्य न बनो। क्यों संसार के सदस्य बन रहे हो? परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। हमारा मन नया हो चुका है प्रभु में। क्या आपका मन यीशु में, जब आप नहीं आए थे, जब प्रभु को आपने नहीं जाना था, तो क्या आपका मन गलत बातों से भरा हुआ नहीं था, गलत बातों को सुनता नहीं था आपका कान, आपका हृदय? क्या आपकी आंखें गलत चीजों को देखती नहीं थी? लेकिन आप जब प्रभु में इंटर करते हो, परमेश्वर में आ जाते हो, तो आप इन सारी चीजों को छोड़ देते हो, यानी कि आपका मन नया हो चुका है। वचन हमें यही बता रहा है कि हमारा मन नया हो चुका है। संसार के सदस्य न बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन भी हमारा बदला जाए,
हम में बदलाव आना चाहिए। बदलाव के विषय में भी मैंने वीडियो बनाई है, जाइए और देखिए। बदलाव का होना मसीह व्यक्ति के जीवन में बहुत जरूरी है। हमारा बदलाव होना चाहिए, हमारा चाल चलन मसीह को भाने वाला चाल चलन होना चाहिए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम कर सको। जब तक आपका मन नहीं बदलेगा, जब तक आपका चाल चलन मसीह को भाने वाला नहीं बनेगा, तब तक तुम परमेश्वर की भली भांति इच्छा का अनुभव नहीं कर सकते। क्योंकि लिखा है, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे तुम परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। अगर तुमको परमेश्वर की इच्छा को सिद्ध से अनुभव करना है, उसको मालूम करना है, तो तुम्हारा चाल चलन बदलना चाहिए। चाल चलन का बदलना यानी कि क्या? रोज बाइबल पढ़ना, रोज प्रार्थना करना, रोज प्रभु के गीतों को सुनना, सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि इन सभी कार्यों को करते हुए संसार से अलग हो जाना, तो ही आपका चाल चलन बदला हुआ है। आधा पैर मसीह में, आधा पैर उधर, एक पाव इधर एक पाव उधर, ऐसा नहीं है। आपको आपके चाल चलन को बदलना होगा। बंद करो स्टेटस लगाना मूवीज के सॉन्ग्स के। मुझे कुछ लोगों से शिकायत है, अगर उन तक मेरी ये वीडियो पहुंचती है तो मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आप पर कोई आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं आपका नाम यहाँ नहीं लूंगा, आप कौन से मिनिस्ट्री से हो, क्या हो, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो भी ये कर रहे हैं, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। वो अपने आप को प्रेरित कह रहे हैं। आप किसी को भी आपके चर्च में पास्टर बनाते हैं, तो क्या उससे पहले आप उसका सर्वे करते हो या नहीं? सर्वे करो उस व्यक्ति का जिसको भी आप पास्टर बना रहे हो। मैंने देखा है पास्टर लोग स्टेटस रख रहे हैं, इंस्टाग्राम पर जाइए, उनके मूवीज के सॉन्ग चल रहे हैं, उनके बर्थडे में मूवीज के सॉन्ग चल रहे हैं, उनकी शादियों में मूवीज के सॉन्ग चल रहे हैं। क्या बाइबल यही सिखाती है? जिसको भी आप पास्टर बना रहे हो, जिसको भी आप एक चर्च पर रख रहे हो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, उसको देखिए, जांचिए, क्या वो सिद्ध है, क्या वो सही तरह से प्रभु में बदला है या नहीं बदला है, इसकी भी आप जांच कीजिए। लेकिन खैर, मेरी ये सब बातें नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमें संसार का नहीं बनना है। संसार और संसार के गाने, संसार की मूवीज, ये व्यभिचार को रिप्रेजेंट करती है, यानी कि जो व्यभिचार होते हैं उसको दर्शाती है। इसे आप सुनना बंद करो। आप इसे सुनोगे तो वो कार्य करेगा आप में, क्योंकि सुनने से आपके हृदय में जाएगा और वही विचार बनकर बाद में आपके मुख से बाहर आएगा। मसीह लोग गाने गुनगुनाते हैं, संसारिक नहीं करना है हमें सारी चीजें। लिखा है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया में शर्मन दिलाता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। हमारा शरीर चढ़ाना है हमें। इसका मतलब ये नहीं कि हमें अपने आप को नुकसान करके चढ़ाना है, अपने हाथ का कुछ ब्लड का परमेश्वर को डोनेट करना है। अपने शरीर का बलिदान यानी कि आपके मुख में, आपके विचारों में, आपकी आंखों में सिर्फ प्रभु 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 होना चाहिए। संसार के गीत नहीं, प्रभु के गीत होने चाहिए। नजरों में मूवीज नहीं, परमेश्वर के दासों के अच्छे अच्छे प्रचार जो कर रहे उनको सुनो, वो देखो मूवीज देखने से अच्छा। इस दुनिया में हर कोई अपने आप को बड़ा बनाने को देख रहा है, बॉलीवुड टॉलीवुड जो भी है और हॉलीवुड, इन सभी लोगों को देखो, जो भी हीरो बनना चाहता है, जो भी हीरोइन बनना चाहती है, अपने आप को फेमस करने में लगे है। संसार अपने आप को फेमस करना सिखाता है आपको। अपने आप को फेमस ना करो, प्रभु को फेमस करो। ये एडिटिंग करके जोड़ देंगे वीडियोस फोटोस और लगा देंगे, तुम ही हो, तुम ही हो जिंदगी, तुम ही हो। गाने सुनते हैं, खुद से लगाना गलत है। आपके आसपास चल रहा है वो विषय अलग है, लेकिन खुद से आप लगा रहे हो वो चीजें अलग है।
बंद करो इन सारी चीजों को करना प्रभु में। पढ़ो एक बार, घर पर बैठे हो या फिर कहीं पर भी से भी मुझे देख रहे हो, कहीं पर से भी देख रहे हो, बाइबल नहीं है तो घर पर जाके दो वचनों को पढ़ो और ध्यान दो, इस पर मनन करो कि ये वचन क्या दर्शाते हैं, क्या बताते हैं। संसार का हमें नहीं बनना है, हम मसीह में अलग हो चुके हैं, हम प्रभु से जुड़े हैं, प्रभु से कनेक्ट है, तो प्रभु की बातें होनी चाहिए, प्रभु के गीत होने चाहिए। जब लाल समुद्र को पार किया गया तो मरियम जो मूसा की बहन थी उसने प्रभु के गीत को गाए, यीशु मसीह को जिस स्त्री ने जन्म दिया मरियम उसने भी प्रभु के गीत गाए। दाऊद ने इतने सारे गीतों को लिखा है, उसके गीतों को पढ़ो ना, उसके गीतों को सुनो ना, उसके गीतों को गीत बनाने की कोशिश करो ना। आप मसीह होकर संसार के गीतों को नहीं गा सकते, ये रॉन्ग है। अगर कोई भी पास्टर आपको कहता है नहीं चलता है थोड़ा बहुत देख सकते हैं, तो मूर्ख पास्टरों से दूर रहो, वैसे लोगों से दूर रहो जो आपको कहते हैं वाइन पीनी चाहिए, वाइन पीने से आपके चेहरे में ग्लो आता है, चलता है थोड़ा बहुत, कभी कभी चलता है, वाइन कोई नशा नहीं है, वाइन ग्रेप से बना होता है, कभी कभी पीना सिचुएशन के हिसाब से, डॉक्टर कहते हैं वाइन पीने से अच्छा चेहरे में निखार आता है, हीरोइंस पीती है इसके लिए हम पीते हैं जड़ी बूटी के द्वारा, ऐसा ऐसा कहते हैं वचनों के द्वारा, लोगों को सिखाते हैं चर्चिस में। मूर्ख लोगों से दूर रहिए, किसी को सुनने की जरूरत नहीं है आपको, बाइबल है ना आपके सामने जो आपको बता रहा है। मैं भी कहां से बता रहा हूं, बाइबल से बता रहा हूं ना, बाइबल को पढ़ो हर दिन, पढ़ोगे नहीं तो बढ़ोगे कैसे। मसीह लोगों को गाना सुनना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। अगर आपको गाना सुनना है प्रभु के गाने को सुनो, अगर आपको गीत लिखने हैं प्रभु के गीत को लिखो, अगर आपको म्यूजिशियन बनना है तो एक अच्छा वर्शिपर बनो, लेकिन परमेश्वर के गाने को सुनो, परमेश्वर की दोहाई को देते रहो हमेशा, प्रभु को धन्यवाद देते रहो ना। नहीं सुनना है, लिखा है फिर एक बार मैं पढ़ूंगा, मेरे को पढ़ने की मन कर रहा है आज बहुत। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया से मैं स्मरण दिलाता हूँ, विनती करता हूँ। एक पौलुस, एक प्रेरित, वो कह रहा है मैं विनती करता हूँ। उन दिनों में भी लोग ऐसे होते थे कि वो विनती कर रहा है, विनती किससे करते कि सामने वाला जब समझता ही नहीं है उसे रिक्वेस्ट करते, प्लीज ब्रदर, प्लीज बहन, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे विनती करता हूं। पौलुस भी हमसे विनती कर रहा है, एक प्रभु का दास विनती कर रहा है कि इन सारी चीजों को मत करो, फिर भी आप करते हो। अलग तरीके से आपके सामने कुछ चीजें आ गई वो बात अलग है, लेकिन आप जानबूझकर खुद ही प्ले कर रहे हो आपके फोन में, आपके लैपटॉप में, किसी भी जगह, आपकी टीवी में। सबसे पहली बात तो टीवी का होना नहीं चाहिए मसीह लोगों के जीवन में, घर में। फिर भी अगर आपके पास है तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसका सही इस्तेमाल करना सीखो अपने बच्चों के लिए, अपने फैमिली के लिए। हम जाते हैं प्रेयर करने किसी किसी के घर पर, दिन भर सीरियल चलते रहता है, दिन भर मूवी चलती रहती है। उनको पूछो ना बाइबल, ये रोमियो की पुस्तक किसने लिखी है पता नहीं, पत्रस की पुस्तक किसने लिखी है पता नहीं, पहला पीतर किसने लिखा है पता नहीं, कुछ नहीं पता है। डैनियल का जीवन कैसा था नहीं पता, मूसा का जीवन कैसा था नहीं पता, मूसा को कब दर्शन दिया नहीं पता, नूह को ही क्यों परमेश्वर ने चुना नहीं पता, नूह के बेटे का नाम क्या था नहीं पता। लेकिन मूवीज में इस मिनट में इस हीरोइन के डायलॉग ऐसे है, इस हीरो के डायलॉग ऐसे है, यहाँ पर ये गाना आता है, वहां पर वो गाना चलता है, ये सारी चीजें उनको याद रहेगी बराबर से। आज सीरियल में ये दिखाया, कल उस बहू का ये होने वाला है, उस सास वो ऐसी कर रही है, सास ने उसको मारा सीरियल में, ये सारी चीजें चल रही है। अपने बच्चों को तो आप अच्छे भविष्य में बढ़ा सकते हो ना, बच्चों को भी दिखा रहे हो बिठा बिठा कर, क्या दर्शाता है, क्या क्या रिप्रेजेंट कर रहा है मूवीज, संसार का मूवीज आजकल क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, व्यभिचार को हर एक पिक्चर में व्यभिचार वाले सीन से देखो, हर एक गाने में भी आज तक वो हो गया, 2 मिनट के गाने में पूरा व्यभिचार ही चलता रहेगा, उसके बोल उसकी राइटिंग पूरे व्यभिचार की रहेगी। और मैं उनको भी कहता हूं कि कुछ वर्शिपर कहते हैं कि नहीं चलता है, थोड़ा बहुत चलता है, हम संसारिक भी होना जरूरी है थोड़ा बहुत, तो संसारिक होना है मेरे भाई मेरी बहन तो संसार में रह जा, संसार के गीत को गा, बड़ा बन जा, फेमस बन जा,
प्रभु में लेकर तू गलत काम कर रहा है और तू एक स्टेज पर खड़ा है। नहीं, पश्चाताप करना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता हूं कि मैंने अपने जीवन में कोई गलत काम नहीं किया, मैंने भी मेरे लाइफ में बहुत बड़ा गलत काम किया, लेकिन परमेश्वर से जब मेरा कनेक्ट हुआ तब मैंने सारी चीजों को छोड़ दिया। लेकिन मैं आपसे ये भी कह रहा हूं, अगर आप आज भी ये सारी चीजों को कर रहे हो तो पश्चाताप करो, जैसा मैंने किया। एक ही पश्चाताप किया, वो आखिरी था मेरे जीवन का पश्चाताप, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे, जो भी संकट में मैं था, जो परिस्थिति में मैं था, उसमें परमेश्वर ने मुझे बहुत सारी चीजें सिखाई और मैंने अपने जीवन में बदलाव किया। बदलाव करो अपने जीवन में, संसार के बन के मत रहो। मूवीज के पिक्चर देख सकते, गाने सुन सकते, क्या लिखा है, क्या यीशु ने कहा है, क्या बाइबल में कहीं पर भी है? बाइबल की स्टोरी याद करो ना, दाऊद कैसा राजा बना, सैमसन ने किस ताकत से सिंह का मुंह को फाड़ दिया, ऐसा क्यों सेद्रक मेद्रक अभिनोक के साथ परमेश्वर वहां आग में आया, जो आग जल रहा था तो यीशु भी वहां पर प्रकट थे, बाइबल में लिखा है। राजा ने देखा ये तीन नहीं, ये तो चार है, क्यों ये सारी चीज हुई, इसके बारे में सोचो ना। वो दिन दूर नहीं है परमेश्वर के आने का, वो दिन नजीक है परमेश्वर के आने का। और एक बार रैप्चर होगा ना, यीशु मसीह आएंगे, जब प्रभु आएंगे, जब जितने मुर्दे थे जी उठेंगे, जितने का न्याय हुआ सबको लेकर जाएंगे, जो बाकी यहां पर बचेंगे ना उनको दूसरा चांस नहीं है वापस। अपने बच्चों के बारे में सोचो, नहीं चलता है ब्रदर, क्या होता है, नहीं चलता है, चलता है तो संसार में तुम्हारे चलता रहेगा, लेकिन मेरे प्रभु के संसार में ऐसा नहीं चलता है। बॉलीवुड के गाने, टॉलीवुड के गाने, हॉलीवुड के गाने, संसार के गाने बहुत बड़ा कार्य करते हैं आपके जीवन में, वो आपके सोच को, आपके माइंड को बदल देते हैं। वो नहीं चाहते कि आप परमेश्वर में बढ़े, इसलिए आजकल ऐसे ऐसे गाने को बनाया जा रहा है जो व्यभिचार प्रेजेंट कर रहे हैं, व्यभिचार दिखाया डायरेक्ट जा रहा है आजकल। कहां है हम, क्या कर रहे हैं हम, इस पर हमें ध्यान देना बहुत जरूरी है। सोचो, समझ का होना जरूरी है। आज मेरा बेटा 2 साल का है, उसको नहीं मालूम क्या होते मूवीज के गाने, क्या होते बाहर का संसार क्या होता है, लेकिन वो एक छोटे से गिटार को उसने देखा, तब से लेके वो गाना गाता है, जय बोलो यीशु मसीहा की जय बोलो, वो गाते रहता है, गाते रहता है। कौन है राजाओं का राजा, क्यों उसमें वो आदतें आई, क्योंकि हमने उसे वैसा रखा है, उसको हमने जो दिखाया वो प्रभु का दिखाया। वो 2 साल का है लेकिन वो गाना गाता है प्रभु का, प्रभु की आराधना करता है, वर्शिप करता है। मेरे बेटे के मुंह में कभी भी आप आना मेरे घर पर, मुझसे मिलना, मेरे बेटे को पूछना ये क्या है, ये कौन सा गाना, वो नहीं बता पाएगा, लेकिन परमेश्वर के गाने को उसको पूछो, वो बताएगा आपको। पहले से हमें ट्रेन करना है अपने बच्चों को। संसार के गाने आप नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, नहीं सुन सकते, मैं फिर एक बार आपसे कह रहा हूं। हर कोई, देखो ये संसार है, हर कोई अपने आप को बड़ा बनाना चाहता है इन दिनों में, हर कोई। संसार के गाने क्यों इतने पॉपुलर होते पता है, क्योंकि वो लूसीफर की ओर से होते हैं, वो लूसीफर जिसे परमेश्वर ने फेंक दिया नीचे भूमि पर। आजकल ज्यादातर बॉलीवुड के लोग लूसीफर को मानने वाले हैं, देखो वो ऐसा सिंबल बनाते हैं, शैतानी चर्च का सिंबल बनाते हैं, ऐसा बनाते हैं, याद रखो इस सिंबल को, ऐसा बनाएंगे वो, या फिर उनके हाथ पे आग का टैटू होगा। बिग बॉस शो जो है ना, वो भी वहीं से आया है, बिग बॉस देखो उसके अंदर भी गंदगियां रहती है बहुत सारी, बिग बॉस के अंदर वो भी देखते हैं मसीह लोग, बिग बॉस फेवरेट शो है। हाँ बिग बॉस तो मेरा फेवरेट है, क्या बोल रहे हो, आपका दाऊद फेवरेट नहीं है, आपका सैमसन फेवरेट नहीं है, आपका मूसा फेवरेट नहीं है, आपका नू फेवरेट नहीं है, आपका याकूब फेवरेट नहीं है, आपका इब्राहिम फेवरेट नहीं है,
लेकिन आपका बिग बॉस फेवरेट लूसीफर की ओर से है वो शो, मैं फिर एक बार कह रहा हूं, बिग बॉस लूसीफर की ओर से बनाया गया, एक आंख शैतानी चर से वो संबंध रखते हैं बिग बॉस का जो भी सिंबल है। नहीं मेरे भाइयों, मैं किसी टेलीविजन की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं मसीह लोगों के लिए कह रहा हूं कि अगर आप परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हो तो परमेश्वर के पीछे चलो, प्रभु में रहना चाहते हो तो प्रभु में रहो, संसार के बन के ना रहो, बहुत जरूरी। देखो मैं फिर एक बार पढ़ता हूं, इस संसार के दृश्य न बनो परंतु तुम्हारे मन के नए होने जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। चाल चलन को बदलो, बहुत जरूरी है चाल चलन बदलना। कल आप गुस्सा करते थे प्रभु में होकर, बाहर होकर, सॉरी कल आप गुस्सा करते थे प्रभु के बाहर होकर, लेकिन आज प्रभु में हो तो आप नम्र बनो। कल आप गंदी चीजें देखते थे लेकिन आज प्रभु में, आज अच्छी चीजों में बढ़ो। कल आप झूठ बोलते थे लेकिन आज प्रभु में, आज आप सच बोलो। कल आप दूसरों की निंदा करते थे लेकिन आज प्रभु में, आज दूसरों को आप ऊपर उठाने का सोचो। ये होता है मसीह जीवन। मुझे ये वीडियो इसलिए बनाना पड़ा कि मैंने चार पांच लोगों से बातें की, चार पांच लोग कहते कि संसार का चलता है, थोड़ा बहुत सॉन्ग चलता है, मूवी देख सकते, वो कोई और लोग नहीं प्रभु के सेवक लोग, बड़ी ही से टीवी है उनके घर में, मैं नाम नहीं बताऊंगा क्या चलता है उनके टीवी में, पिक्चर चलते हैं, पास्टर स्टेज पे खड़ा होकर बोलता है जब वचन देता है तो बोलता है आपने बाहुबली मूवी तो देखा होगा, बाहुबली मूवी में कैसा कटप्पा मारता है बाहुबली को, ये उदाहरण दिया जा रहा है चर्च में। आप किस चर्च में जा रहे हो, क्या कर रहे हो, उसका भी आपको ध्यान देना जरूरी है। ये सब परमेश्वर ने आपको सौंपा है, क्योंकि ये जो बाइबल है ना, ये सिर्फ वचन ही नहीं है, ये गाइड है हमारे लिए, गाइड सही रास्ता क्या है वो हमें दिखाती है ये बाइबल। लोगों का सुनने से ज्यादा खुद बाइबल पढ़ो, प्रभु आपको ज्ञान देगा। पास्टर लोग कहते कि हाँ मैं पिक्चर के गाने सुनती हूँ दिन में चार पांच बार, मुझे बहुत पसंद है, उन लोग का सुर इतना अच्छा लगता है। अरे क्या है, और ये बातें लोगों को मालूम है, चर्च के लोगों को, फिर भी उधर बैठ के उनके वचन सुनते रहते। आएगा ना यीशु मसीह तब समझेगा। संसार के बनकर ना रहो, और जो भी सोचता है, नहीं हम फिर एक बार कह रहा हूं, हम गाने सुन सकते हैं, हम पिक्चर देख सकते हैं, तो भाई संसार में रहे, मसीह में रहने की जरूरत नहीं है। अपने मन का परिवर्तन कर, पश्चाताप कर, तब मसीह में रहे। नहीं मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर किसी का भी दिल दुखा हो तो मैं समा चाहता हूं, लेकिन ये वीडियो उन लोगों तक आप पहुंचाइए जो भी ये सारे काम करते हैं। हो सकता है उनका हृदय परिवर्तन फिर एक बार हो सकता है वो अपने आप में पश्चाताप करे प्रभु के पास बैठकर, और अपना जीवन नई तरीके से जीना सीख जाए। नहीं सुन सकते हम, नहीं सुन सकते पिक्चर के गाने नहीं सुन सकते। वीडियो बड़ी हो जाएगी इसके लिए मैं आगे नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं बोलता हूं आपको फिर एक बार, हम पिक्चर के मूवी संसार के गाने नहीं सुन सकते, प्रभु के गाने गाओ, प्रभु के गीत लिखो। और एक बात मैं आपसे कहता हूं, हाँ अगर आप सोचते हो मैंने प्रभु का गीत लिखा है, मेरे पास पैसे नहीं है गीत को बनाने के लिए, तो मैं आपको एक ऑफर देता हूं मेरी तरफ से। मेरा एक स्टूडियो है, म्यूजिक स्टूडियो है, वहां पर मैं आपसे कुछ पैसे नहीं लूंगा, मेरे को एक रुपया आपसे नहीं चाहिए। अगर आपने प्रभु के गाने लिखे या आप गाना चाहते हो तो आप आइए मुझसे कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको गाने बना कर दूंगा। लेकिन जो मेरे पास गिटार बजाते हैं, ड्रम्स बजाते हैं, जो मेरे पास काम करते हैं, उनका केवल आपको 8,000 रुपये देने पड़ेंगे, क्योंकि मेरे जो स्टूडियो का रेंट है, जो 2-3 दिन एक हफ्ता लगेगा सॉन्ग को पूरा बनाने में, मैं उसका 1 रुपया आपसे चार्ज नहीं करूंगा, मेरे तरफ से 1 रुपया मैं चार्ज नहीं करूंगा। लेकिन जो मेरे पास काम करते हैं, जो गिटारिस्टर है, जो कीबोर्ड प्लेयर है, जो ड्रम्स बजाते हैं, जो तबला बजाते हैं, जो हर इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं,
उनको आपको ज्यादा तो नहीं, मेरे कहने पर एक 500-500 रुपए तो आप उन चारों 6-7 लोगों को दे दो, आप वो भी नहीं मांगेंगे, लेकिन वो हमारे पास काम करते, हमारा कार्य कर रहे, तो सिर्फ 8,000 रुपए में आपको कोई सॉन्ग नहीं बना कर देगा मिक्स मास्टरिंग के साथ, अच्छे लाइव म्यूजिक के साथ। लेकिन मैं मसी लोगों को ऑफर देता हूं, आइए हमसे मिलिए, हम आपका सॉन्ग बना कर देंगे। प्रभु के गीतों में पढ़ो, प्रभु के गाने गाओ, कवर सॉन्ग बनाओ, बनाना चाहते हो भेजो मुझे, मेरा ईमेल लो, मेरा कॉन्टैक्ट लो, मुझसे कॉन्टैक्ट करो। मैं ये नहीं कहूंगा कि आप आपके चर्च को छोड़कर मेरे चर्च में आए, बिल्कुल नहीं आया, आप जहां हो वहीं पर रहो, अपने घर को कभी हमें छोड़ना नहीं है। हाँ, लेकिन आपको गाना बनाना है, म्यूजिक बनाना है, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं कम से कम पैसे में आपको बना कर दे दूंगा। और प्रभु के कार्य के लिए मैं सदा लोगों की हेल्प करता हूँ और मैं आपकी हेल्प करूंगा। आप खुद गाओ, खुद बनाओ, भले आप बेसुरे हो ना, मैं आपको कुछ प्रैक्टिस कराऊंगा, एक महीने के अंदर आपको सुरीला बना दूंगा। आइए, मैं आपको ऑफर देता हूं, लेकिन प्रभु के गाने को गाइए, प्रभु के गाने को बनाइए, प्रभु में बढ़िए, सांसारिक जीवन में ना पढ़ो। मैं यही सब आपसे कहना चाहता हूँ, संसार के बन के ना रहो, ना पौलुस हमें कहता है संसार के बनो, और ना परमेश्वर हमें कहता है कि इस संसार के बनो, प्रभु चाहता है कि प्रभु के लोग प्रभु के बने रहे। लूसीफर को इसलिए फेंका गया कि उसमें घमंड आया, प्रभु कभी नहीं चाहेगा कि उसके करीबी लोग कुछ भी गलतियां कर रही। लूसीफर ने गलतियां की, एक अच्छा आराधक था, पावरफुल व्यक्ति था, लेकिन शैतान के नाम से आज जाना जाता है, क्यों उसने गलतियां की प्रभु के विरुद्ध। मैं नहीं चाहता कि आप लोग भी प्रभु के विरुद्ध में कोई गलतियां करो। प्रभु आप सबको आशीष दे, प्रभु अपना मुख, अपना प्रकाश सदा आप पर चमकाए, अपने अनुग्रह से, अपने सामर्थ से, अपने ब्लेसिंग से आप सभी को भर, अपने स्वर्गदूत द्वारा आपकी और आपके फैमिली की, आपके बच्चों की रक्षा करें। ऐसी मैं प्रार्थना उस परमेश्वर से करता हूँ, आमेन। वीडियो बड़ा होता था इसलिए मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता, लेकिन मैं विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत कुछ सीखा है इस वीडियो के माध्यम से। मिलते हैं अभी अगले वीडियो में, लेकिन फिर एक बार मैं कहता हूँ कि संसार के बनकर ना रहो, प्रभु के बनकर रहो, प्रभु आपको उठाएगा, प्रभु आपको बढ़ाएगा, आपकी मंजिल तक वो आपको लेकर जाएगा, क्योंकि उसने हमारे लिए एक सहायक भी दिया है, पवित्र आत्मा। उस आत्मा की मदद से, उसकी प्रेरणा से गीत को लिखो, गीत को गाओ, परमेश्वर आपको बढ़ाएगा। प्रभु आप सबको आशीष दे, आमेन। मेरे खुदा तेरी क्या बात है?